नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो हमारी एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है जिसमें हम भारत के सभी राज्यों को कवर करेंगे। ये हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम आंध्र प्रदेश के बारे में आज से ज्ञानी तक ए टू जेड सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया। कब हुआ था गठन? तो 1953 में भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, अब वर्तमान राजधानी देखें तो अमरावती है। इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो जब भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ था तो तंगुतुरी प्रकाशम 1 अक्टूबर 1953 से 15 नवंबर 1954 तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जब इसका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत यह राज्य बना तब नीलम संजीव रेड्डी 1 जनवरी 1956 से 11 जनवरी 1960 तक मुख्यमंत्री रहे। पहले राज्यपाल की बात करें तो चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी 1 अक्टूबर 1953 से 1 अगस्त 1957 तक यहाँ के राज्यपाल रहे। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो यहाँ पे पापीकोंदा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, मृगावनी नेशनल पार्क, तेली नेलापुरम, तेली कंची पक्षी अभ्यारण्य और कोरेंगा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे प्रमुख हैं। अब यदि आंध्र प्रदेश की झीलें देखें तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, यहाँ पे पुलिकट लेक है, पुलिकट झील जो कि दूसरी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है चिल्का के बाद। ठीक है, यहाँ पे कंबन हुसैन सागर, दुर्गम चेरेबू, मेलावरम, ओक, तातीपुड़ी जलाशय और श्रीशैलम झील है यहाँ पे। अब यदि हम आंध्र प्रदेश के बांध देखें तो मध्य पेन्ना जलाशय बांध, अक्कापालम बांध, अलगनूर बांध, अनंत सागरम बांध और आंध्र बांध यहाँ पे प्रमुख हैं। बात है आंध्र प्रदेश की तो यहाँ की नदियाँ देखें तो यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा और एक पेन्नार यहाँ की प्रमुख नदियों में शामिल हैं। अब यहाँ की राजकीय भाषा देखें तो भाषाई आधार पर ही आंध्र प्रदेश राज्य बना था। तो यहाँ पे 90% लोग तेलुगु बोलते हैं, 10% अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी और स्थानीय जो भी भाषा है यहाँ की। यहाँ का राजकीय पशु है चिंकारा, राजकीय पुष्प है कुमुद, राजकीय पक्षी है नीलकंठ, राजकीय वृक्ष है नीम का वृक्ष, राजकीय नृत्य है कुचिपुड़ी और यहाँ का राजकीय खेल है कबड्डी। अब बात होती है जब आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड अम्बेसडर कौन है? तो पीवी सिंधु है। यहाँ की जनसंख्या देखें 2011 के अनुसार तो 4,96,34,314 है यहाँ की जनसंख्या है। यहाँ का क्षेत्रफल देखें तो 1,62,970 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। यहाँ पे वर्तमान में 26 जिले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आंध्र प्रदेश के बारे में डीपली डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। यह सीरीज जारी रहेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।